हाय गाइस, मैं शांतनु, आप देख रहे टेक्निकल चैनल। उस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 3 MIUI 11 थीम फॉर दिसंबर 2019। देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स इन द वीडियो। तो अगर आप MIUI 11 के लिए फुल्ली सपोर्टेड थीम सर्च कर रहे हो, आपको नहीं मिल रहा, तो मैं आपको 3 ऐसा थीम्स बताऊंगा जो कि आपको नया लुक दे देगा और फुल्ली सपोर्टेड है, और आपको थीम ऐप में भी मिल जाएगा। तो इसका अगर आइकन देगा तो आपको वन प्लस ऑक्सीजन जैसा आइकन मिलेगा। स्टेटस बार ही आपको चेंज कर दे रहा है, MIUI 11 का डिफॉल्ट स्टेटस बार से हटा के कुछ नया डाल दे रहा है जो कि इसका स्टेटस बार है। ब्लैक एंड व्हाइट में आपको स्टेटस बार मिलेगा, जो कि टॉगल्स आपको न्यू वे में मिल रहा है, जो कि काफ़ी मिनिमल और क्लीन लुक आपको दे सकता है आपका स्टेटस बार को। और अगर आपको चेंज करना था तो स्टेटस बार आपसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहिएगा इसका सेटिंग में, तो सेटिंग का UI चेंज नहीं होता क्योंकि इस थीम में ऑफिशियली चेंज नहीं होता। अगर आपका MIUI 10 भी रहता तो भी आपका सेटिंग ऐसे ही रहता जो कि MIUI 10 का डिफॉल्ट स्टेट मतलब की सेटिंग है, UI इसमें चेंजेस नहीं है। तो अगर आप बाकी कुछ देखेगा तो इसमें आप डायलर भी चेंज हो जाता जो कि ऑब्वियसली अच्छा बात है, पर डायलर चेंज हो जा रहा है। बहुत सारा थीम्स में डायलर चेंज नहीं हो रहा जो कि ऑफिशियली अवेलेबल भी, बस कर लिए आपको स्टेटस बार चेंज कर दे रहा और मैसेजिंग ऐप भी चेंज हो जा रहा। तो अगर आपको चाहिए ऐसा कुछ थीम्स तो आप इसको डाउनलोड कर सकते, यूज़ कर सकते। कैलकुलेटर का अभी तक MIUI 11 का कैलकुलेटर का नया वाला का थीम अभी तक रिलीज नहीं हुआ, मतलब ऐसा कुछ मॉड नहीं है जिससे कि मतलब उस थीम चेंज हो जाए। और थर्ड पार्टी थीम्स चेंज कर दे रहा जो कि आपका सिक्योरिटी ज़्यादातर ऐप्स को चेंज कर दे रहा है म्यूज़िक छोड़ के। तो अगर आपको ऐसा कुछ थीम्स चाहिए तो उसमें वीडियो आपको मिल जाएगा, आप नीचे कमेंट कीजिए। और ये जो है ये आपको ऑफिशियली अवेलेबल है जो कि आप डायरेक्टली सर्च करके यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं होना होगा कि आपको एक घंटा बाद फिर डिफॉल्ट में चल जाए। और अगर आप इसका देखिए लॉक स्क्रीन, तो ये आपका MIUI 11 या 10 का जैसा डिफॉल्ट लॉक स्क्रीन है, इसमें आपको कुछ न्यू नहीं मिल रहा। और अगर आपको कुछ न्यू चाहिए तो इसके लिए आपको थर्ड पार्टी थीम से ज़्यादातर यूज़ करना होगा, जिसमें कि आपको न्यू लॉक स्क्रीन, स्टेटस बार, सेटिंग, सभी कुछ का UI आपको न्यू मिलने वाला, जो कि आपको अभी तक ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए 1-2 महीना लगने वाला है। और अगर आपको सिंपली ये वाला थीम डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको सर्च करना है ऑक्सीजन ब्रैकेट में वन प्लस, और उसके बाद आपको 4.5 MB का डिज़ाइनर एलेक्स वुल्फ डॉग, सिंपली आप सर्च कर लीजिए, आपको ये थीम ऑफिशियली मिल जाएगा। आप डायरेक्टली ऑफिशियली इसको यूज़ कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको थीम। और अगर आपको थोड़ा भी थीम अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और इंटरेस्टिंग बने रहिए आपका, मतलब मज़ा आता है, कर दीजिए। तो सेकंड थीम में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग आइकन पैक मिलेगा जो कि आपको डार्क आइकन्स मिलेगा, गूगल का फोल्डर, टूल का फोल्डर, होम स्क्रीन में। और अगर आप इसका देखेगा तो स्टेटस बार भी ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग है, आपको ट्रांसपेरेंट स्टेटस बार मिलने वाला। तो इसके लिए आपको फ़ोन को एक बार थीम को अप्लाई करने के बाद रिस्टार्ट करना होगा, तभी जाकर आपका ये मतलब ट्रांसपेरेंट स्टेटस बार हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा तो अच्छा, नहीं हो रहा तो आप रिस्टार्ट एक बार कर लीजिए। और अगर आप इसका देखेगा तो इसमें आपको डार्क UI मिलने वाला पूरा फ़ोन में। अगर आपका डार्क मोड नहीं आया है 11 आने के बाद, तो आप इस थीम को यूज़ करके डार्क मोड का फीचर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि डार्क मोड अनेबल नहीं है क्योंकि MIUI 11 का सिस्टम अपडेट में भी डार्क मोड अनेबल हो जाता है जैसे आप डार्क मोड को अनेबल कीजिए। तो बाकी कुछ देखिएगा, जैसे कि इसका एडिशनल सेटिंग हो गया, तो सेपरेशन है वो काफ़ी क्लीन MIUI 11 का ही जैसे मिल रहा, बस आपको न्यू लुक के साथ मिल जा रहा डार्क मोड के साथ, बट डार्क मोड देखिए ऑफ है। तो इंटरेस्टिंग आपको थीम मिलने वाला है ये भी, और इसमें आपका स्टेटस बार चेंज हो जा रहा जो कि काफ़ी क्लीन और मिनिमल लुक देगा। और अगर आप उसका देखिएगा नोटिफिकेशन मतलब कि डायलर, तो डायलर भी आपको चेंज हो जा रहा, मैसेजिंग ऐप पे भी चेंजेस है, और जितना भी कुछ सभी कुछ में आपको चेंजेस मिल जा रहा है। तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगने वाला ये थीम। और अगर आप उसका देखिएगा कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं क्योंकि कैलकुलेटर का थीम है नहीं। और अगर आप उसका देखिएगा गैलरी, तो गैलरी में भी चेंजेस है नहीं, और सिक्योरिटी तो चेंज हो ही नहीं रहा MIUI 11 में कोई भी थीम डालने के बाद, ज़्यादातर जब तक वो थीम थर्ड पार्टी ना हो। तो उसका आइकन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, रिसेंट्स में भी चेंजेस हुआ है जो कि आपका आइकन चेंज है। और अगर आपको यह थीम अच्छा लगा तो प्लीज़ थीम को डाउनलोड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिले। और मुझे भी अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लगा। और अगर इसका लॉक स्क्रीन देखिए तो ये आपका MIUI 10 और 11 का डिफॉल्ट लॉक स्क्रीन। और अगर आपको सिंपली ये डाउनलोड ही करना है तो आपको थीम ऐप में सर्च करना है डार्क ग्रे पाई वी 1.1, जैसे आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और फ़ोन को प्लीज़ रिस्टार्ट कर लीजिए उसको अप्लाई करने के बाद कि आपका सही से स्टेटस बार काम करे और आपको मज़ा आई थीम चलाने में। और अगर आपको मज़ा आया होगा वीडियो इतना तक देखने के बाद, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, तब मज़ा आ जाएगा मेरे को भी, समझा कीजिए आप भी। तो यही है। और अगर आप लास्ट थीम देखें तो इस थीम में भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक मिलने वाला है, थोड़ा आपको मतलब कि क्लासी लुक मिलने वाला है इस आइकन पैक में, और जितने भी टूल है गूगल का फोल्डर में स्टॉक एंड्रॉइड जैसा आइकन है कुछ। और अगर आप उसका स्टेटस बार दिए तो ये आपको मतलब बग जैसे ही लगे स्टेटस बार, बस बट ऐसा स्टेटस बार बनाया गया है, ये बग नहीं है स्टेटस बार में, तो आपको ऐसा लुक मिल रहा है स्टेटस बार, जो अनेबल रहेगा वही दिखेगा। और सेटिंग भी आपका ये लुक तो चेंज नहीं हो रहा, बट इसका कलर चेंज हो जा रहा सेटिंग का,
तो जितने भी चेंजेस है काफ़ी यूनिक चेंजेस है, जो कि आपको साथ लगेगा नहीं कि चेंजेस है बट चेंज है और अच्छा ही दिख रहा है थीम। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिंपली आप इसका भी मतलब डाउनलोड कर सकते हैं सर्च करके, और एडिशनल सेटिंग जाइए तो इसका कलर ही चेंज है और कुछ चेंज नहीं है। बाकी जितना भी लुक है आपको 11 का डिफॉल्ट थीम जैसा मिल रहा है, 10 जैसा मिल रहा है। और डायलर देखिए तो डायलर में भी चेंजेस हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड आपको वही ब्लूइश टाइप का मिल जा रहा है, और आपको मैसेजिंग ऐप भी सिमिलर आपको कलर मिल जा रहा है। और आपको जो टॉगल्स और रेड हो गया मैसेज ऐड मतलब प्लस मैसेज ऐड मैसेज करने का ऑप्शन और मैसेज लिखने के लिए, और जितना भी कैलकुलेटर इसमें भी चेंजेस नहीं हुआ ना सिक्योरिटी में चेंज होता है। तो जितना भी ऐप्स है उसमें चेंजेस नहीं हुआ, बट जो मेन मेन ऐप्स है उस सब में चेंजेस हो गया। तो अगर आपको ये भी थीम अच्छा लगा तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप उसका लॉक स्क्रीन देखिएगा तो इसमें आपको Mi A3 का वॉलपेपर मिल जा रहा है, जो कि आपको शायद ऐसा वॉलपेपर चाहिए था, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन आपका चेंज नहीं होगा, ये भी आपका डिफॉल्ट Mi A11 जैसे लॉक स्क्रीन है। और अगर आप सिंपली इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सर्च करना होगा Blue AK V10। जैसे आप Blue AK V10 सर्च कीजिएगा तो आपको ये थीम मिल जाएगा। इसका डिज़ाइनर हार्ड टू होल्ड, जो कि भाई हार्ड टू होल्ड है, और आपको 3.8 MB का मिल जाएगा। और आप जाइए सीधा फिर जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो ऐसे ही अप्रिसिएट करते रहिए मेरा काम को, तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं जल्दी कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने में बेल आइकन टाइप कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन नोटिफाइड रहे मेरे नए वीडियोज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।